हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड थिंग्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी के बारे में। सोशियोलॉजी जो है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेम का फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद फिर डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद सोशियोलॉजी का नेचर क्या होता है और उसका स्कोप क्या होता है और सिग्निफिकेंस उसका नर्सिंग में क्या है, तो उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो पे बने रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू, तो सबसे पहले देखते हैं सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन होता क्या है। तो देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन। द वर्ड सोशियोलॉजी वाज कॉइंड बाय अगस्टे कॉम्टे फ्रेंच फिलासफर इन 1939। जो सोशियोलॉजी है वो कॉइंड की गई थी अगस्टे कॉम्टे के द्वारा। अगस्टे कॉम्टे एक फ्रेंच फिलासफर थे, और उन्होंने 1839 में इसको 1839 में क्वाइंट किया था। ही इज़ द कंसीडर्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। जो सोशियोलॉजी के फादर हैं वो अगस्टे कॉम्टे हैं। अगस्टे कॉम्टे को ही सोशियोलॉजी का फादर कहा जाता है। द वर्ड सोशियोलॉजी इज कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। जो सोशियोलॉजी वर्ड है वो दो वर्डों का कम्बिनेशन है। एक तो हो गया सोशियस। सोशियस इज ए लैटिन वर्ड इन विच मीन्स सोसाइटी, और लोगोस इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्टडी। तो दो वर्ड है सोशियोलॉजी जो है वो दो वर्डों का कम्बिनेशन है, सोशियस एंड लोगोस। सोशियस जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है सोसाइटी, और लोगोस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है स्टडी। तो सो इट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ सोसाइटी आर स्टडी ऑफ सोसाइटी। जो सोशियोलॉजी की यहाँ डिफिनीशन हुई स्टडी ऑफ सोसाइटी या साइंस ऑफ सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। तो ये रहा सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, कि दो वर्डों के कम्बिनेशन से बना है सोशियोलॉजी, सोशियस प्लस लोगोस। सोशियस जो है लैटिन है, और लोगोस ग्रीक वर्ड है जिसका सोशियस मीन्स होता है सोसाइटी, और लोगोस मीन्स होता है स्टडी। तो अब बात करेंगे हम सोशियोलॉजी के डिफिनीशन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ डिफिनीशन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमने डिफिनीशन दी है दो तीन। तो आपको एग्ज़ाम में अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट लिखना ही होता है, उससे क्या जो रहता है कि एग्जामिनर अच्छा मार्क देता है। तो सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे किन्स बाई की। तो पहली डिफिनीशन है सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो जो सोशियोलॉजी है सोसाइटी का अध्ययन करना ही सोशियोलॉजी कहलाता है। ये डिफिनीशन दी गई है किन्स बाई के द्वारा, जो कि एक साइंटिस्ट हैं। और दूसरी डिफिनीशन है सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। जो सोशियोलॉजी है स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, इस डिफिनीशन को दिया है ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने। तो ये दूसरी डिफिनीशन हो गई। अब बात करेंगे तीसरी डिफिनीशन के बारे में। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी। ये किसके द्वारा दी गई थी? टैलकॉट पर्सन्स के द्वारा। तो ये तीन साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सोशियोलॉजी की डिफिनीशन दी है। ज़्यादा लॉन्ग डिफिनीशन नहीं है, शॉर्ट में है, छोटी छोटी है, आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब देखते हैं सोशियोलॉजी का नेचर क्या होता है। तो सोशियोलॉजी के नेचर के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। तो सोशियोलॉजी जो होती है, सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। ये जो होती है सोशियोलॉजी वो इंडिपेंडेंट साइंस होती है, किसी पर डिपेंड नहीं होती है। और दूसरा है सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस नॉट ए फिजिकल साइंस। जो सोशियोलॉजी होती है वो सोशल साइंस होती है, सामाजिक साइंस होती है, और फिजिकल साइंस नहीं होती है। और तीसरे पॉइंट के बारे में देखेंगे यहाँ पे नेचर का है, सोशियोलॉजी इज ए प्योर साइंस नॉट ए अप्लाइड साइंस। जो सोशियोलॉजी होती है वो प्योर साइंस होती है, और नॉट ए अप्लाइड साइंस नहीं होती है। चौथा पॉइंट है सोशियोलॉजी इज ए जनरल सोशल साइंस
नॉट ए पार्टिकुलराइजिंग इंडिविजुअलाइजिंग साइंस, जनरल सोशल साइंस होती है और पार्टिकुलर इंडिविजुअलाइजिंग साइंस नहीं होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे सोशियोलॉजी का स्कोप क्या होता है। जो सबसे पहले देखेंगे स्कोप में क्या होता है, देयर आर टू मेन स्कूल होते हैं स्कोप के लिए। एक तो हो गया फॉर्मलिस्टिक ऑफ थॉट और दूसरा हो गया सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। तो ये दो हो गए सोशियोलॉजी के स्कोप में। अब एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जो होता है वो होता है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। इसका पहला पॉइंट है सोशियोलॉजी इज स्पेसिफिक प्योर इंडिपेंडेंट सोशल साइंस। जो होती है सोशियोलॉजी ये स्पेसिफिक प्योर और इंडिपेंडेंट सोशल साइंस होती है, वही नेचर वाले पॉइंट आएंगे इसमें। और सोशियोलॉजी स्टडीज द वेरियस फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वेरी नैरो एंड वेरी लिमिटेड। जो सोशियोलॉजी का स्कोप है बहुत नैरो है और लिमिटेड है। तो ये रहेगी फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के पॉइंट्स। अब बात करेंगे हम इसमें सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट में कौन कौन से पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है सोशियोलॉजी इज ए जनरल एंड सिस्टमैटिक सोशल साइंस। जो सोशियोलॉजी है ये जनरल है और सिस्टमैटिक एक क्रम वाइज सोशल साइंस है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वेरी वास्ट। यहाँ पर ये जो सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट है यहाँ पर सोशियोलॉजी का स्कोप वेरी वास्ट बताया गया है, लेकिन फॉर्मलिस्टिक वाले में क्या होता है वेरी नैरो होता है, वेरी नैरो एंड लिमिटेड होता है। तो ये देखिए यहाँ पर वेरी नैरो लिखा है, वेरी नैरो एंड लिमिटेड। और ये वाले में देखिएगा क्या है डिफरेंस, इसमें हो गया वेरी वास्ट हो गया। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। नर्सिंग में सोशियोलॉजी का क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में। इसका एक लास्ट पॉइंट रह गया था, सोशियोलॉजी नीड्स हेल्प फॉर्म ऑफ अदर सोशल साइंस। ये हो गया सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। तो ये आपने डिस्कस किया इसमें स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के टू मेन स्कूल होते हैं फॉर्मलिस्टिक सिंथेटिक। तो दोनों के अंदर के पॉइंट्स डिस्कस किए। और अब हम बात करने वाले हैं ये सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। सोशियोलॉजी का नर्सिंग में क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस है। तो इसका पहला पॉइंट है टू द स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली कम्युनिटी एंड सोसाइटी। और दूसरा पॉइंट है इसका टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स इट्स कॉम्प्लेक्सिट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर। जो सोशियोलॉजी का नर्सिंग में ये महत्व ये होता है कि पर्सन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कौन सा उसका कल्चर है, उसकी मेंटल थॉट्स क्या हैं और उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये सोशियोलॉजी जो होती है उसको पेशेंट का बैकग्राउंड और उसका कल्चर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। द नर्स गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चरल लाइफ ऑफ पेशेंट जो नर्स होती है वो पेशेंट के सोशियो कल्चर और लाइफ ऑफ पेशेंट के लाइफ के बारे में इस माध्यम से सोशियोलॉजी के माध्यम से जानने में उसको मदद मिलती है। अब अगला पॉइंट देखेंगे हेल्प टू द अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिसीज एंड सोशल कंडीशन। और सोशियोलॉजी हेल्प करती है अंडरस्टैंड उसके पेशेंट के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में, समझने में, और बिटवीन डिसीज सोशल कंडीशन उसके और डिसीज के बारे में जानने में मदद करती है, और सोशल कंडीशन उसकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसको जानने में हेल्प करती है। तो ये रहे सिग्निफिकेंस ऑफ नर्सिंग।
और ये यूनिट वन है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी की यूनिट वन है। ये बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए इस वीडियो में कवर कर लिया है हमने, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है। पहले सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके बाद डिफिनीशन देखा सोशियोलॉजी की, उसके बाद फिर नेचर स्कोप सिग्निफिकेंस इन नर्सिंग। केवल 5 पॉइंट हैं इस चैप्टर में, केवल इतना ही पढ़ना है इसमें, बस हो गया। और इसी से केवल इस चैप्टर में इतने ही पॉइंट्स हैं, बाकी नेक्स्ट चैप्टर का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। और अगर नेक्स्ट चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए तो हम लोग बना देंगे अगला वीडियो सेकंड टॉपिक का। और जिस किसी को भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए इसकी, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मेडिकल स्टूडेंट अड्डा के नाम से है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।